मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि सीमा जैसी एम्बिशियस लड़की ने राहुल के साथ कैसे शादी कर ली। हाँ, ताजुब तो मुझे भी हुआ, लेकिन लेकिन प्यार, डार्लिंग तुम तो जानती हो प्यार में इंसान कुछ भी कर सकता है। मुझे लगता है हमें उन्हें शादी का तोहफा देना चाहिए। ग्रेट, फैंटास्टिक आइडिया। डार्लिंग मैं काम करता हूँ कि मैं कल ही किसी के हाथ से उनके घर पर एक अच्छा सा तोहफा भिजवा देता हूँ, है ना? नहीं, हम खुद ही उनके घर चलेंगे और उन्हें तोहफा देंगे। उनके घर? हम? डार्लिंग, हम उनके घर जाएंगे। क्यों, कोई प्रॉब्लम है? नहीं, प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ठीक है, हम कल ही उनके घर चलेंगे। ठीक है। क्या सिद्धार्थ, नहीं प्लीज, ये क्या मजाक है? अब तुम्हारी बीवी को खुश करने के लिए हम दोनों को मियाँ बीवी का नाटक करना पड़ेगा? कम ऑन सीमा, समझने की कोशिश करो, सिर्फ एक दिन की तो बात है। सिद्धार्थ, बात एक दिन या दो दिन की नहीं है, एक सच को छुपाने के लिए कितने झूठ। सीमा, यू आर नॉट इवन ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। देखो सीमा, मैं अपनी बीवी से वादा कर चुका हूँ। आइडिया बॉस, आप शीला भाभी से ये क्यों नहीं कह देते कि हम दोनों हनीमून पर गए? राहुल, बैड आइडिया बॉस। सीमा, तुम क्या चाहती हो कि मेरी बीवी हमेशा मुझ पर शक करती रहे? हाँ, मुझसे गलती हो गई मुझसे गलती, अब मैं क्या करूं? सूली पर चढ़ जाऊं, अपने आप को कोड़े मारूं मैं? यस बॉस। व्हाट? नो बॉस, मेरा मतलब यस कि आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं बॉस। कोड़े लगे आपके दुश्मनों पर बॉस। आप बस ये बताइए कि हमें क्या करना होगा। देखो सीमा, तुम्हें कुछ नहीं करना होगा। मैं और शीला तुम दोनों के घर पे डिनर पर आएंगे। डिनर बॉस? हाँ, डिनर। ऑलराइट। और हम दोनों तुम दोनों को एक छोटा सा तोहफा देंगे। छोटा सा बॉस? राहुल, ओके, एज यू विश। और तुम दोनों को एक सुखी परिवार का ड्रामा करना है, बस और कुछ नहीं करना है, समझ रही हो ना? एक्सक्यूज मी बॉस, एक प्रॉब्लम है। अब क्या प्रॉब्लम है? वो क्या है बॉस कि मेरा घर किसी भी एंगल से एक शादीशुदा जोड़े का घर नहीं लगता है, कुमारे का लगता है, you know, I'm single. तो राहुल जाओ, अपने घर को सजाओ। yes, जाओ बॉस, लेकिन एक शादीशुदा जोड़े का घर लगने के लिए एक डबल बेड तो होना चाहिए ना। राहुल, ये मजाक करने का वक्त नहीं है। अरे नहीं सीमा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी हमको। और बॉस, मैं तो कहता हूँ कि लगे हाथों सोफा, चादर, पर्दे और एक वॉशिंग मशीन भी ले ही डालूं मैं। ठीक, जैसी आपकी मर्जी। एक मिनट, सीमा से अकेले में बात करना चाहता हूँ। सीमा, मुझे बड़ा अजीब लग रहा है ये सब कुछ कहते हुए, लेकिन क्या करूं, हमारे भविष्य का सवाल है। सिर्फ दो घंटों की तो बात है सीमा, पहली और आखिरी बार प्लीज। राहुल। हाँ बॉस, यहीं पे। बॉस, मैं सोच रहा था कि घर की पेंटिंग भी तुमको तो रहने दीजिए, जाने दीजिए। क्या सीमा, तुम राहुल के साथ जाओ। राहुल जल्दी। यस बॉस। राहुल जल्दी। हाँ बॉस। शीला जी, रोज फॉर अ रोज। थैंक यू। कैसा लगा आपको मेरा घर? अच्छा है। थैंक यू। राहुल, मैं सिद्धार्थ से हमेशा कहती हूँ तुम बहुत ही मेहनती और ईमानदार लड़के हो, बचपन से ही। लेकिन तुम्हारी एक आदत मुझे पसंद नहीं है। क्या भाभी जी? तुम छुपाते बहुत हो। क्या मतलब? यही, तुमने शादी कर ली और हमें पता भी नहीं चला। अरे हमको भी कहाँ पता था। क्या? मेरा मतलब भाभी जी, ये सब इतना जल्दी में हुआ ना, ना शादी, ना बाराती, ना खैराती। काफी अच्छा सजाया तुमने अपना छोटा सा घर। और वो भी इतने कम टाइम में। मतलब? आपने ये देखा, ये पेंटिंग माधुरी दीक्षित बाय एम एफ हुसैन, सीमा ने नकल बनाई है। सीमा करती है ये सब? सीमा पेंटिंग भी करती है? हाँ, ये पूरा घर भी उसी ने पेंट किया है। पेंट किया है? फिर जोकिंग राहुल। कहाँ है तुम्हारी सीमा? अंदर तैयार हो रही है, मैं भी लेकर आता हूँ, आप इंतजार कीजिए। पेंटिंग देखिए। ओके। सीमा, मेरे कपड़े ठीक है ना? राहुल, मुझे ये बहुत अजीब लग रहा है, सब ठीक हो जाएगा ना? राहुल। सब ठीक हो जाएगा। मैं ठीक लग रही हूँ ना? सीमा, तुम इन बीवी वाले कपड़ों में बहुत सुंदर लग रही हो।
आई मीन एकदम 100% प्योर इंडियन देसी घी से बनाई हुई बीवी. सच कह रहा हूं. नॉट बैड. हाँ अरे बॉस आप तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं. थोड़ा सा वो रायता देना प्लीज. रायता खाइए कोफ्ता खाइए बॉस सब माल आप ही का. तो आप लोग हनीमून के लिए कहाँ गए थे? हनीमून पे हम लोग गए थे. वो कहाँ गए थे? कहाँ गए थे बॉस? यार हनीमून तो तुम दोनों का था मुझे कैसे पता होगा? सब कुछ हनीमून हमारा था. मैं तो बहुत जाना चाह रहा था शीला जी लेकिन बॉस ने काम के लिए रोक लिया. और वैसे भी हनीमून पे जाके हम करते क्या? क्या मेरा मतलब सीमा हनीमून पे अकेले जाकर करती क्या? नहीं सीमा. तो सीमा शादी के बाद मॉडलिंग छोड़ दोगी? मॉडलिंग तो मॉडलिंग क्यों छोड़ेगी? मॉडलिंग जारी रहेगी है ना बस. हाँ हाँ जारी रखेगी. मॉडलिंग क्यों छोड़ेगी? After all, करियर इज करियर यू सी. बॉस ने कह दिया बस डिस्कशन खत्म. आप कुछ लेती क्यों नहीं? अरे नहीं नहीं इसमें तेल ज्यादा है और वैसे भी हमें और एक पार्टी में जाना है. आजकल फिगर का ख्याल रखना पड़ता है ना. ओ कम ऑन डार्लिंग थोड़ा सा ले लो ना. इसमें तेल कहाँ है सिद्धार्थ? नो 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 बॉस. शीला जी बिल्कुल ठीक कह रही. खूबसूरत औरतों को वैसे भी अपनी फिगर मेंटेन करनी चाहिए. थैंक यू. शीला जी वैसे आप मॉडलिंग क्यों नहीं करती हैं? तुम सिद्धार्थ से पूछ लो. बॉस को तो मॉडल्स बहुत पसंद है. क्या हुआ बॉस? मैं मीठा लेकर आती हूँ. हाँ तुम मीठा लेकर आओ मैं बॉस को पानी पिलाता हूँ. मीठा लेकर आओ. पानी पीजिए पानी. एक्सक्यूज मी. नहीं नहीं दुल्हन मैं थोड़ा हेल्प करके आता हूँ. एक्सक्यूज मी. राहुल बॉस घर में ही हूँ. राहुल क्या हुआ डार्लिंग? उनके आते ही चलते हैं. कम ऑन शीला तुमने थोड़ा सा खा लिया होता तो क्या होता? ऊपर से तुमने ये भी कह दिया कि यहाँ से हम लोगों को किसी और पार्टी में जाना है. तुमने तो कहा था कि जल्दी निकलना है. सिद्धार्थ आई थिंक यू आर इम्पॉसिबल. बस शीला बहुत हो गया. अब मुझसे झगड़ा मत करो तुम. मुझे लगता है झगड़ा कर रहे हैं. शीला शीला बैठ जाओ. शीला मेरी बात सुनो तुम. अरे आप लोग जा रहे हैं थोड़ा मीठा तो खा के जाते ना. नहीं रहने दो हम निकलते हैं. आई थिंक वी आर लेट नाउ. मैं पैक करवा देता हूँ. राहुल गुड नाइट. सीमा डार्लिंग वो जो गिफ्ट इनके लिए लाए थे वो. अरे हाँ ये आप लोगों के लिए हमारी तरफ से शादी का तोहफा. इसकी क्या जरूरत थी? अरे हाँ इसकी क्या जरूरत थी? अरे जरूरत कैसे नहीं थी. हमारा भी तो कोई हक बनता है. बनता है बनता है जरूर बनता है बॉस. अब चले. कितनी अच्छी जोड़ी है ना दोनों की. मैं तुमसे बहुत नाराज हूँ सिद्धार्थ. क्यों अब क्या हो गया? कितनी गलत बात है. तुमने उन लोगों के सामने मुझसे झगड़ा मोल लिया. क्या सोच रहे होंगे हमारे बारे में? क्या हमारी बनती ना हो? नहीं ऐसी भी क्या बात है. Darling, you know now, I love you so much. Yes, yes, yes. ये पेट के लिए क्या क्या करना पड़ता है. और सीमा तुमने भी कमाल का नाटक किया. I tell you, we were both brilliant. सीमा, सीमा, सीमा. अरे तुम रो रही हो सीमा. देखो अगर मुझसे कोई गलती हो गई है तो I'm very sorry. हाँ? नहीं, नहीं. तुम्हें सॉरी कहने की कोई जरूरत नहीं है. मैं अपने आप से परेशान हूँ. किसको धोखा दे रही हूँ मैं? अपने आप को. क्या मिलेगा ये झूठ ये फरेब? क्यों किया ये सब? एक औरत होने के नाते शादी का नाटक कितना सस्ता लग रहा है. कितने गिर गई हूं मैं. ये मेरा सपना नहीं था राहुल. ये मेरा सपना नहीं था. सीमा 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 क्यों अपने आप से इतने सवाल कर रही हो? क्यों? देखो फिक्र मत करो सब ठीक हो जाएगा. सीमा सीमा रो मत. एक बात बताओ. मैं अपनी खुद की जिंदगी के बहुत सारे सवाल समझ नहीं पाया लेकिन एक बात जान गया कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो.
और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है।